14 नवंबर 1995 रात के 11:30 बज रहे थे। चीन के बीजिंग में स्थित युआन मिंग युआन बस टर्मिनस से रूट नंबर 375 की एक बस निकलती है। यह रात की आखिरी बस है और यह जियांगशान जा रही है। बस को कुल 11 बस स्टॉप पर रुकते हुए रात के 2 बजे अपने गंतव्य स्थान जियांगशान पहुंचना है। सभी यात्री अपने अपने मंजिल तक पहुंचकर धीरे धीरे बस से उतर जाते हैं। लगभग 4 स्टॉप के बाद बस में एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बचते हैं। रात बहुत ठंडी थी, चारों तरफ घना कोहरा और तेज हवा चल रही थी। ये बस अगले बस स्टॉप समर पैलेस के बगल में दक्षिणी गेट पर रुकती है और 4 यात्री चढ़ जाते हैं। एक यंग कपल, एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का। यंग कपल आगे ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं, जबकि बूढ़ी औरत और लड़का बस के दूसरी ओर दरवाजों के पास बैठे जाते हैं। बस अब एक सुनसान, शांत और जंगली इलाकों से गुजर रहा था। यहां सड़क पर कोई अन्य वाहन भी नहीं था। वे बस केवल इंजन की गड़गड़ाहट सुन सकते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद अगले बस स्टॉप से पहले ड्राइवर को बस के हेडलाइट में सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे 2 आदमी दिखाई देता है, जो बस की ओर रुकने का इशारा कर रहे थे। ड्राइवर आदमी के पास जाकर बस को रोकते हैं, लेकिन वहां 3 आदमी होते हैं। वहां 2 आदमी थे जो अपने बीच में एक तीसरे आदमी को कंधे से पकड़कर सहारा दे रहे थे। बीच वाला आदमी बेहोश लग रहा था और उसका सिर झुका हुआ था, इसलिए कोई उसका चेहरा नहीं देख पाता है। तीनों ने पुराने किंग राजवंश के पारंपरिक चीनी ड्रेस पहने हुए थे और उनके चेहरे बेहद पीले थे। वे तीनों बस में सबसे पीछे वाले सीट पर बैठ जाते हैं। उनका रहन सहन और हाव भाव बिल्कुल अजीब था। वे सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग थे। उन्हें देखकर बस में सवार अन्य यात्री डर जाते हैं और घबराकर बस से नीचे उतरने लगते हैं। महिला कंडक्टर यह कहकर सभी को शांत करने की कोशिश करती है कि डरो मत, वे सिर्फ आसपास के क्षेत्र में एक कॉस्ट्यूम ड्रामा की शूटिंग करने वाले अभिनेता हो सकते हैं। हो सकता है कि वे काम के बाद नशे में हो गए हों और कपड़े बदलना भूल गए हों। सबको शांत कराने के बाद महिला कंडक्टर अपने सीट पर चली जाती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत घूम घूम कर उन 3 अजनबियों को देखती रहती है जो बस के पीछे बैठे थे। एक भयानक सन्नाटा था। किसी भी यात्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे बस बाहर हवा की सीटी सुन सकते थे। 3-4 स्टॉप के बाद यंग कपल बस से उतर जाते हैं और बस चलने लगता है। बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। महिला कंडक्टर दौड़कर पीछे आती है और वह देखती है वो बूढ़ी औरत उस जवान लड़के पर चिल्ला रही है और हंगामा कर रही है। वो बता रही थी कि उसने उसका पर्स चुरा लिया है। वह लड़का भी खड़ा होकर उससे बहस करने लगता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसका कॉलर पकड़ लेती है और मांग करती है कि ड्राइवर उन्हें अगले स्टॉप पर छोड़ दे ताकि वह उसे पुलिस स्टेशन ले जा सके। ड्राइवर बस को रोक देते हैं। बस रुकती है तो बूढ़ी औरत लड़का को बाहर खींच लेती है और बस चली जाती है। अभी रात के 1 बज रहे होते हैं और वो दोनों इस घना कोहरा और ठंड के बीच इस सुनसान इलाके में उतर गए थे। लड़का पूछता है, पुलिस स्टेशन कहाँ है? बुढ़िया जवाब देती है कि यहां कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। लड़का को गुस्सा आ जाता है और वो उस बूढ़ी औरत पर चिल्लाने लगता है कि आप एक तो मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिए और जब यहां कोई पुलिस स्टेशन नहीं है तो जबरदस्ती बस से इस सुनसान इलाके में नीचे क्यों उतार दिए, अब हम कहां जाएं? बुढ़िया ने उत्तर दिया, हां बेटा, मैं जानती हूं तुमने मेरी पर्स नहीं चुराई है और मैंने जो जबरदस्ती तुम पर इल्जाम लगाए उसके लिए माफी चाहती हूं, लेकिन मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है। लड़का हैरान होकर बोलता है, क्या तुमने मेरी जान कैसे बचाई? बुढ़िया उत्तर देती है, वे 3 लोग भूत थे। जब से वे बस में चढ़े मुझे उनके बारे में संदेह था, इसलिए मैं उन्हें बार बार देखती रही। हुआ यूं कि खिड़की से जब तेज हवा चल रही थी तब मैंने सब कुछ देख लिया। इससे उनके लंबे वस्त्र खुल गए और मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे। लड़का आश्चर्य से बुढ़िया की ओर देखने लगता है। उसे पसीना आने लगता है। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाता है। बुढ़िया और वो लड़का किसी तरह पास के एक थाना पहुंचते हैं और वो पुलिस को सारी बातें बताती है।
लेकिन पुलिस बुढ़िया के बात का यकीन नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि बुढ़िया उम्र ढलने के साथ सठिया गई है। उनकी कहानी को खारिज कर देते हैं और फैसला किया कि वे मानसिक रूप से बीमार हैं और बिना रिपोर्ट लिखे पुलिस बुढ़िया को चलता कर देते हैं। सुबह हो जाती है लेकिन अगले दिन बस संख्या 375 बस स्टेशन पर पहुंचती ही नहीं है। काफी खोजबीन के बाद बस स्टेशन के अधिकारी पुलिस में कंप्लेन करते हैं। सभी पुलिस अपने नजदीकी थानों में भी सूचना जारी कर देते हैं। पुलिस ने पूरा शहर छान मारा लेकिन उसका कोई सुराग पता नहीं चलता है। तब पुलिस को पिछली रात वाली बुढ़िया की याद आती है जो उसी बस के बारे में बताने आई थी। हालांकि पुलिस उस बूढ़ी औरत और लड़का का एड्रेस ले लिए होते हैं और उस बूढ़ी औरत और लड़का को थाने बुलाकर उससे गहरी पूछताछ करते हैं। उस रात द बीजिंग इवनिंग न्यूज और द बीजिंग न्यूज भी वृद्ध महिला और युवक के इस कहानी का टीवी पर लाइव इंटरव्यू करते हैं। लेकिन अगले दिन 16 फरवरी को खबर मिलती है कि एक बस फ्रैग्रेंट हिल्स यानी उस बस स्टेशन से लगभग 100 किमी दूर म्यून जलाशय में डूबा हुआ है। पुलिस जल्दी से अपनी टीम के साथ स्पॉट पर पहुंचती है। वे देखते हैं कि वह वही बस है जो पिछले रात गायब हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन की टीम बस के अंदर प्रवेश करते हैं। उन्हें 3 बुरी तरह से क्षत विक्षत शव मिलते हैं। जो बस में सबसे पीछे बैठे वो 3 लोग होते हैं। ये लाशें इतनी सड़ी गली होती है जैसे इसकी मौत के काफी दिन हो चुके हैं, जबकि ड्राइवर और महिला कंडक्टर का लाश सामान्य था। पुलिस बस स्टेशन अधिकारी से पूछते हैं कि बस यहां तक कैसे पहुंची। फिर जो वो जवाब देते हैं वो हैरान कर देने वाला होता है। वे कहते हैं कि बस में इतनी फ्यूल ही नहीं थी जो 100 किलोमीटर तक जा सके, क्योंकि बस अपने मंजिल से 2 या 3 स्टॉप पहले गायब हुआ था। ऐसे में उसके पास ज्यादा फ्यूल नहीं बचा होगा और बस को डिपो से उतनी ही तेल मिलती है जितने में उसकी यात्रा पूरी हो जाए। फिर पुलिस बस के फ्यूल टंकी को खोलकर चेक करते हैं और वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरा का पूरा टंकी खून से भरा होता है। इसके बाद पुलिस उस रास्ते के सभी जगहों की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, लेकिन उन्हें उस स्टॉप के बाद जहां से वो बूढ़ी औरत और लड़का उतरा था बस का कोई नामो निशान नहीं मिलता। काफी खोजबीन के बाद भी ये हादसा हमेशा के लिए रहस्य बन जाता है। अभी तक 29 साल बाद भी इस घटना के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। इसके बाद कई सालों तक लोग इस रास्ते से दिन में भी जाना बंद कर दिए। इस मामले से जुड़े और भी कई रहस्य थे। बस में म्यून जलाशय तक जाने के लिए पर्याप्त गैस नहीं थी और जब पुलिस ने पेट्रोल टैंक खोला तो उन्होंने पाया कि यह खून से भरा हुआ था। हालांकि शव उनके गायब होने के 2 दिन बाद ही पाए गए थे, लेकिन वे बहुत बुरी तरह से सड़ चुके थे। शव परीक्षण से पुष्टि हुई कि शवों के साथ जानबूझकर कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था। वे इतनी जल्दी कैसे विघटित हो सकते हैं? पुलिस ने म्यून जलाशय की ओर जाने वाले प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सभी सुरक्षा कैमरा टेपों का कड़ाई से निरीक्षण किया, लेकिन उनमें से किसी में भी बस नहीं देखी गई। वास्तव में उन्हें कुछ भी सामान्य से हटकर नहीं मिला। बिना देखे बस वहां कैसे पहुंच सकती थी? आज तक यह एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।